आप देख रहे हैं एंशिएंट मिस्ट्रीज। भारत 10,000 साल पहले। आपने प्राचीन विमानों के बारे में बहुत कुछ देखा, पढ़ा और सुना होगा। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तकनीक की वजह से विमान उड़ पाने में सक्षम थे। भारत का ये सबसे गूढ़ रहस्य है, जो कि विश्व में बहुत सारी जगहों पर जांच का विषय है। फिर वो चाहे अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा हो या इतिहास में हिटलर द्वारा चलाए गए शोध कार्य। प्राचीन विमानों का वर्णन कई भारतीय वैदिक ग्रंथों में देखने को मिलता है, जैसे ऋग्वेद जहां 200 बार विमानों का वर्णन है, यजुर्वेद जिसमें अश्विनी कुमारों के पास विमान होने का वर्णन है। सबसे ज्यादा प्रमाणिक बातें वृहद वैमानिक शास्त्र नामक ग्रंथ में देखने को मिलती हैं, जो कि महर्षि भारद्वाज द्वारा लिखित यंत्र सर्वत्रम नामक ग्रंथ का एक भाग है। वृहद वैमानिक शास्त्र में बहुत सारी जानकारियां विस्तार पूर्वक कही गई हैं, जिसमें विमान के संचलन के बारे में जानकारी, उड़ान के समय सुरक्षा संबंधी जानकारी, तूफान तथा बिजली के आघात से विमान की सुरक्षा के उपाय, आवश्यकता पड़ने पर साधारण इंजन के बदले सौर ऊर्जा पर विमान को चलाना आदि शामिल हैं। इसमें अतिरिक्त सौर ऊर्जा को संचित करने का भी विधान बताया गया है, परंतु आज भी हम इनमें से कई चीजों को अच्छी तरह से समझे नहीं हैं, क्योंकि प्राचीन संस्कृत श्लोकों को डीकोड कर पाना संभव नहीं है, परंतु कुछ श्लोकों को हम सरल संस्कृत भाषा में ट्रांसलेट कर चुके हैं। समरांगन सूत्रधारा नामक भारतीय ग्रंथ में भी विमान निर्माण संबंधी बहुत सारी जानकारियां हैं। इसमें चार प्रकार के विमान प्रमुखतः बताए गए हैं, सुंदर विमान, शकुन विमान, रुकमा विमान और त्रिपुर विमान। अब हम वैज्ञानिक तथ्य का अध्ययन करेंगे कि ऐसी क्या वजह थी कि विमान इतनी आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़ जाया करते थे। ऐसा हो पाया था एंटी ग्रेविटी अर्थात भारहीनता के कारण। अब सवाल यह है कि एंटी ग्रेविटी किस तरह से प्राप्त की जाए। यदि विमान के टोटल भार और गुरुत्वाकर्षण फोर्स के विरुद्ध कोई ऐसा फोर्स लगाया जाए जो इन दोनों फोर्सेस से ज्यादा हो, तो ऐसी स्थिति प्राप्त की जा सकती है। और उस काल में ऐसा संभव हो पाया था एक चमत्कारिक पदार्थ या धातु से, जिसे हम पारा या मरकरी के नाम से जानते हैं। पारा ऐसी धातु है जो लिक्विड और सॉलिड दोनों ही है। साथ में यह कम तापमान पर विद्युत की बहुत अच्छी सुचालक अर्थात सुपर कंडक्टर भी है। पारे से उड़ने वाले विमानों का वर्णन हमारे सभी पुराने ग्रंथों में विस्तार पूर्वक किया गया है। अब हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि आधुनिक जगत में पारे का प्रयोग या उस पर शोध कार्य किस तरह से किए जा रहे हैं। जब से पेट्रोलियम क्रूड ऑयल की खोज हुई, तब से लेकर अब तक पूरा विश्व इन्हीं ईंधनों पर चलता चला आ रहा है। क्या पारे को ईंधन लेकर इंजन बनाना संभव है? इसका जवाब है हाँ। आजकल मरकरी को लेकर जो रिसर्च हो रही है, उसमें मरकरी वोर्टेक्स इंजन और मरकरी आयन इंजन प्रमुख हैं। मरकरी वोर्टेक्स इंजन में मरकरी को एक गोलाकार ट्यूब में रखकर विशेष परिस्थितियों में विद्युत संचालित की जाती है, जिसमें सुपर कंडक्टिविटी की वजह से ऐसा मैग्नेटिक वोर्टेक्स उत्पन्न होता है जो कि गुरुत्वाकर्षण फोर्स को नलीफाई कर देता है, और इस तरह से एंटी ग्रेविटी या भारहीनता की कंडीशन आ जाती है। नासा मरकरी आयन इंजन क्रिएट करने की भी कोशिश कर रहा है, जिसमें मरकरी प्रोपेलेंट को एक थ्रस्टर डिस्चार्ज चैम्बर में वेपोराइज्ड और आयोनाइज्ड किया जाता है, जिससे वह प्लाज्मा स्टेट में आ जाता है। फिर उसे नोजल की सहायता से बाहर निकाला जाता है, जिससे अत्यधिक वेग उत्पन्न हो सके। जाते जाते एक साइंस एक्सपेरिमेंट देखिए, जिसमें यह दिखाया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड में मरकरी किस तरह से बिहेव करता है, और यह सोचिए
कि हमारे पूर्वजों के पास आज से हजारों साल पहले कितना अधिक ज्ञान था। यदि आप इस तरह की और अच्छी अच्छी जानकारियां पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं।